हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से। और बस इसी तरह से दुआएं। मैं सोच रही थी आज सुबह से ही मैं अपना जो है ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन ना आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पाया। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ असर के टाइम से, और अभी असर की अजान हो गई है, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ पाई है। तो बस मैंने सोचा इससे पहले जो है ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती, वरना फिर जो है ना लेट ही होता चला जाएगा। आज मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो बस अभी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो चलो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, अपने ब्लॉग को कंटिन्यू तभी करेंगे। ओके। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी तो जल्दी से आप लोग भी जाकर नमाज़ पढ़े, उसके बाद मेरा ब्लॉग देखना। तो चलिए गाइस, दस्तरखान लग चुका है, आप लोग भी आ जाए, हम सब तो बैठ गए हैं दुआ करने के लिए कि अभी थोड़ी देर बाद जो है इफ्तार का टाइम होने वाला है। तो बस अभी दस्तरखान पर बैठते हैं, खूब सारी दुआएं करते हैं सभी के लिए। तो सबसे पहले तो मेरी जो बहनें हैं, वे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे, अल्लाह ताला सभी की जायज़ दुआओं को कबूल करे, सभी के घरों में खैर बरकत बनाए रखे अल्लाह पाक, सभी के माँ बाप को हमेशा उम्र दराज रखे, उनकी उम्र में ज़्यादती करे अल्लाह ताला, और हमेशा बड़े लोगों का साया हमारे सर पर बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। से यहाँ पर सब लोग बैठ कर के दुआ कर रहे हैं, तो दस्तरखान पर बैठ कर जो है जितनी भी दुआएं करनी है, जितने भी कलमा पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं डायरेक्टली, अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं माशाल्लाह से। और बस यहाँ पर हमारा रोज़े का टाइम हो गया है, तो बस अभी रोज़े इफ्तार कर लेते हैं। तो सभी लोग बैठ गए हैं रोज़ा इफ्तार करने के लिए। रोज़ा इफ्तार हो चुका है, खाना वाना आज घर पे नहीं बन रहा है, सिर्फ मम्मी पापा के लिए बना है, बाकी हम सारे लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए। तो आज था भाभी का प्लान, मतलब भाभी ने बोला कि चलो आज बाहर चलते हैं, तो फिर हम लोग का ऐसे ही सडन प्लान बन गया कि चलो भाई चलते हैं। तो बस ऐसे ही कि घर में लोग रहते हैं, मोहब्बत रहती है, तो उनकी बातों को मतलब मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं वो बहू है तो हम उनकी बात नहीं माने, हम जा रहे हैं तो वो भी जा सकती है। और मेरी मम्मी पता कभी भी उनको ऐसे कहीं पे भी जाने के लिए मना नहीं करती है, कहीं पर भी वो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो ये कहते हैं कि सिर्फ पूछ लिया करो मुझसे, बाकी वो कहीं जाने के मना नहीं करते। तो देखो बड़े बूढ़े होते ही हैं यार, बड़े लोग किस लिए होते हैं, ताकि हम उनसे थोड़ी सी सलाह ले सकें, उनसे पूछ सकें कि हम यहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर उनसे ही उनको ही छोड़ देंगे तो फिर क्या मतलब निकल रहा है बड़े होने का घर में, है ना? फिर तो हम अपनी मर्ज़ी ही चला रहे हैं। तो बड़े लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब सही रहता है, उनसे पूछ लो, है ना, फिर उसके बाद जाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब नहीं है तो फिर तो तुमको जाना ही है, सारी चीज़ें अपने मन मुताबिक करनी ही है, लेकिन जब तक है तब तक तो उनको पूछ ही लिया जाए, बस यही रहता है और क्या ही है। वैसे मेरी मम्मी कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए मना नहीं करती हैं उनको, तो आज जो है भाभी का ही मन हुआ कि चलो आज बाहर चलते हैं डोसा खाने के लिए। वैसे वो कल कह रही थी, लेकिन कल क्या था कि होली थी, तो उस चक्कर में हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि होली का समय था और फिर दूसरा जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो भी बंद रहते हैं, तो इसलिए जो है अब हम लोग आज जा रहे हैं। मुझे सडन याद आया कि भाभी ने कल डोसा खाने ही कहा था, तो फिर मैंने सबसे बोला, फिर अभी सब लोग रेडी हो गए हैं, तो बस अभी चल रहे हैं। और इनको मैंने रेडी कर दिया है, दो चोटी वोटी बना दी हैं उसकी, और मैंने भी रेड पहना है, उसको भी रेड पहना दिया है, उसको रेड कलर पसंद है और इनको रेड कलर अच्छा लगता है, तो जैसे ही उसने टी शर्ट दिया बोलती है ओ गॉड रेड कलर, इतना प्यारा लगता है ना इसके मुँह से जब ऐसे बोलती है। तो चलो उसको रेडी करा दिया है, इसकी चोटी वोटी बांध दी है मैंने, अब चलते हैं डोसा एक्सप्रेस, देखते हैं खुला है या बंद होगा, कुछ आइडिया नहीं है, जो भी होगा सब कुछ आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बने रहिए व्लॉग में एंड तक, वीडियो को
जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाएगी। सुनाया तीनों ही अच्छे। ऊद काय का होता है? ऊद किस चीज़ का होता है? मिट्टी की खुशबू होती है ऊद, मतलब मिट्टी ऐसी नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू होती है ऊद ही, ये बोलते हैं। अच्छा, अगरबत्ती जो ऊदी होती है वो किससे मंगाया आपने? आदिल कादरी से मंगाए हैं भैया, आदिल कादरी के परफ्यूम। अभी नहीं आई, बाद में आएगी। तीनों ऑफिशियल है, मतलब ऑफिस वगैरह में है, बाद में आएगी। वो है मल्टीसेक्स है, यूनिसेक्स है, मतलब कोई लड़का ही लड़का सबसे इनका ये है सबसे ज्यादा सुनाया, ये मस्क है ना, सुनाया सबसे ज्यादा इसका। अच्छा सर लो, इसकी खुशबू पता अभी नहीं आ रही, आएगी थोड़ी देर बाद आएगी। ओह रेड रेड, आज वो रेड बन के जा रही है। रेड रेड, तुम्हारी एक किलेट भर गई है। है चलो बाय। दो चोटी वाली गई और अभी ये अपना वॉच वॉच पहन रहे हैं, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ गंदी सी बन के। आज मैंने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया है, वैसे भी ये वाली जो कुर्ती है वो मेरी नई ही है। क्या ये कैमरे में कैद हम नहीं हो पा रहे हैं? एक ही कैमरे में कैद हम नहीं हो पा रहे हैं। सुना जन्नत में दोनों साथ होंगे, यकीन हमको दिलाया है किसी ने। ब्लर ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है ये? अब आया ना क्लियर। चलिए गाइस, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ, मैंने चेंज वेंज नहीं किया है। चलिए ये लोग भी, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ यहाँ का, चलते हैं। क्यों क्या अंधेरा कायम रहे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े। गिर मत पड़ना तुम, चलो चलो तो चलो तो आगे चलो। यहाँ पे जैकी भाई आ रहे हैं। जैकी भाई यस, यही तो तुम ये कहते हो ना, नॉर्मल चीजें यूज की वो किया कर। नहीं लगता करो, डोसा एक्सप्रेस के लिए हम लोग निकल गए हैं अपनी शताब्दी एक्सप्रेस से, यानी कि हमारी स्कूटी से। और यहाँ पर हुरैन बैठी हुई है बीच में, मैं और ये, बाकी भाभी भैया आगे, जैकी भाई आगे, तो ये लोग अपनी अपनी स्कूटी से हैं और हम अपनी स्कूटी से हैं। तो चलिए चलते हैं, ये देख लीजिए। पहुंच गए डोसा एक्सप्रेस, कहाँ से लेके जा रहे हैं। पहले खाई थी हमने इधर की, नहीं पहले खाई थी हमने, नहीं खाई। तो चलो, इत्तफाकन हमें ये जो है ओपन मिल गया,
वरना हम सोचे थे शायद नहीं मिलता होगा, क्योंकि आज भाई अच्छी खासी है नहीं, ऐसा ही रहता है यहाँ पर ज़्यादातर। सही है, पाव भाजी वगैरह अलग अलग है ज़्यादा। देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं जी, क्या होता है ये क्या है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी ये लोग यहाँ बैठे हैं, वही भाई सबसे आगे पहुँच गए हैं हारन के साथ। हारन सो गया है क्या? हारन सो गया है, वैसे इतने टाइम तक सो जाता है वो, थोड़ी सी नैप ले लेता है, छोटी वाली नैप, फिर डेढ़ दो बजे उठता है, फिर थोड़ी देर खेलता है, फिर सो। सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम है, सारी माओ का भी यही प्रॉब्लम है कि वो बच्चे सोते ना, ये बता डर गई ओरेन, तो डर गई इस वाली पिक्चर से, डर गई ओरेन, डर गई। तो जो डोसा एक्सप्रेस का फेमस है डोसा, तो वही हमने ऑर्डर किया है अभी, मसाला डोसा वेट कर रहे हैं। अगर अंदर वाला जो केवन है वो खाली हो जाता है तो फिर हम लोग अंदर ही शिफ्ट हो जाएंगे, वरना तो फिर हम लोग यहीं एडजस्ट करेंगे जैसे भी है, क्योंकि वहाँ पर भी पूरी फैमिली बैठी हुई है तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बस वेट वेट वेट, यहाँ पर सो गए हैं, उनको रास्ते में ही नींद आ गई थी तो ये सो गए। बच्चों का ऐसे ही, कहीं पर भी जाओ बच्चे सो पहले जाते हैं। सोचा था हम कभी सो के ही आए थे शाम के टाइम ना, मतलब पता नहीं था कि जैसे ऐसे ये सो जाएगा इस टाइम पर, लेकिन आज वो सो गए। बेबी तो सो गया, बेबी तो सो गया, कीड़ा था गिर नहीं रहा ना। हाँ पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, क्या है ये, गिर मत पढ़ना। गाइस टेबल तो हमें खाली नहीं मिली है, तो बनवाई बन करके हमारे डोसे आ रहे हैं, आज सर्विस थोड़ी सी ढीली हो रही है, तो ये इनकी प्लेट मेरी प्लेट और हरियन यहाँ पर खेलने में लगी हुई है। और जैकी भाई का हो चुका है, गाइस यहाँ पर हारून उठ के आया है और वो देख रहे हैं अपने मम्मा पापा, वो देख रहा है यहाँ पर खड़े होकर, पीछे देखो पीछे देखो। हुरैन आ जाओ, वाह यम्मी,
जाओ। यम्मी आइसक्रीम। झोल हो गया, झोल लोल हो गया, लोल। इतने इतना देर वेट करने के बाद हमारी चाउमीन आई। क्यों छोटा हो गया क्या बाउल? बाउल छोटा लग रहा है। हारन झांक रहा पीछे से, आगे आगे दिखाई दे रही है। क्या देखो, इतना ही आता है खाना बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में? इसको अच्छे से सजा के हाँ। नहीं नहीं नहीं, और इसमें कैचअप इस तरह से लगाना। कैचअप इस तरह से लगाते हैं, पूरी प्लेट सजा देते हैं, लेकिन खाना थोड़ा सा होता है उसके अंदर। फिर बिल बनता है कितना? जयगी भाई ने जे बना दिया है जी। खाओ खाओ। हाँ चाहिए ना, चाहिए इतनी नहीं चाहिए। यहाँ पे पूरा गंदा गंदा सा मुंह करके खा रही है। तो गाइस डोसा एक्सप्रेस में तो आज किसी को भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि डोसा ही वहाँ का बहुत खतरनाक बना था आज का। तो हो जाता है कभी कभी जब भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, तो इस चक्कर में। और तो बस अभी हम आ गए हैं यहाँ फालूदा खाने के लिए, क्योंकि रास्ते में हमें सारे होटल बंद मिले थे, वहाँ से हमारा पेट नहीं भर पाया है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम खाओगे आज पूरे दिन से? आइसक्रीम ही खाइए। आज भाभी लेके जाएंगे लॉन्ग राइड पे। चलो चलिए जाओ। जाना है। और हारून भी उठ चुके थे। पड़ेगी है ये, पी लो। लो लो अरे लो लो पकड़ो ना। इनका क्या आ रहा है बाद? ओ देखो उसको चाहिए, देखना वो लटका पड़ रहा है। नहीं खाया है लेकिन मजा नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। आज भीड़ बहुत ज्यादा थी ना। हाँ इस चक्कर में। और होली होली का सेकंड डे था, बाहर था उनका भाई बहनों का आज वो होता है भाई दौज होता है। तो इस चक्कर में भाई बहन बहुत थे इसमें। यस कपल भी थे। तो हम लोग तो यहाँ आ गए, अभी फालूदा की शॉप पर है इधर साइड जो दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पर। क्योंकि मैं यहाँ पर हुरैन को थोड़ा लाइट के चक्कर में ले आई, क्योंकि वहाँ साइड इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे थे ना, तो बच्चे वहाँ पे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। और एक तो ये हाफ पहन कर आई है, तो इस चक्कर में इसको और मच्छर लग रहे थे वहाँ। अभी हम आ गए हैं कैंटीन के रोड, कैंडल वाली रोड पर। कैंटीन वाली रोड पर यहाँ पे रेल कितनी अच्छी अच्छी लाइट्स लगा रही है, और भाभी आ रही है पीछे से चला के लेकर आ रही। हेलो हाय नानी, अस्सलाम वालेकुम। कौन ने पकड़ ली? कौन सा चलो 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 क्या कोई पार्क वगैरह में? चलो खाना वाना बना के ले चलो, बढ़िया बैठो बच्चों को खेलने दो। पार्क यहाँ है ही नहीं। अच्छा वहाँ तो दो हैं बहुत बड़े बड़े। यहाँ नहीं, मुरैना में नहीं है। यहाँ सादा जीवन उच्च विचार चलता है मुरैना में। यहाँ पे नहीं जाते लोग वहाँ।
देसी इंसान है, देसी कैसी चीज का खेलना है। आ गए हम घर आधा अधूरा होकर पूरे नहीं हो पाए। अप्पी को बाय करते हैं। बाय अप्पी, गुड नाइट। बाय बाय अप्पी जाने कौन से बाय करा ले चल ले लिया। हां सो जाओ। बाय 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 चलो तुम्हें आना होता है। किट्टी गया, किट्टी किट्टी गई। ओ ओ किट्टी गई। चले जाओ गाइस, आज मेरी हल्दी वाला दिन है। ये क्या था, मोबाइल फेंक दिया। बच गया। अरे टूटा तो नहीं, देखो नया लेने वाले हैं ना इसलिए। आईफोन आज मेरी हैप्पी हल्दी सेरेमनी हो गई। लो मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं गाइस, मतलब 2-3 दिन में हो जाएंगे। तो आज के दिन मेरी जो है हल्दी थी। आप लोगों को ब्लॉगिंग के थ्रू बता रही हूँ कि मेरी शादी को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतनी जल्दी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे गाइस, सच्ची में इतनी जल्दी जल्दी दिन निकलते हैं ना, पता ही नहीं चलता। और इस टाइम पर तो हम लोग जो है हल्दी वल्दी सब करके फिर बैठे हुए थे। सबका रोना रोना चल रहा था, सबको मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं जाऊँगी। स्पेशली हमारी नानी मम्मी, मतलब इनके सबसे ज़्यादा करीब थी ना, तो मैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा ये था कि हमारी बुलबुल चली जाएगी, बुलबुल चली जाएगी ऐसा। सारी खालाएँ वगैरह सब बहुत ज़्यादा मतलब रोते थे। जब भी मेरा रिश्ता हुआ था ना, तब उन्होंने सुना कि रिश्ता तय हो गया है, तब से ही मतलब उनको ये दुख था कि बुलबुल चली जाएगी। अब तो ये चीज़ें हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बाकी सारे ही लोग मुझसे ऐसे कहते हैं कि और मैंने भी फ़ोन पे बातें बातें करी थी उस टाइम पे, तो सबका यही था कि चली जाएगी लड़की। एक लड़की जो है माँ बाप के घर में बड़ी होती है और फिर उसके बाद में उसको दूसरे के घर भेज दिया जाता है, शादी कर दी जाती है उसकी। पता नहीं ये रिवाज किसने बनाए, काश ये रिवाज नहीं होता तो सारी बेटियाँ अपने माँ बाप के घर होती। लेकिन मैं ये सही मानती हूँ, अगर सारी बेटियाँ अपने माँ बाप के घर होती तो फिर शायद सारे लड़के अपने ससुरालों में बैठे होते। ऐसा ही है ना, इसलिए लड़कियाँ क्या ना ज़्यादा सहनशीलता वाली होती हैं, जो कि सारी चीज़ों को मैनेज अच्छे से कर लेती हैं। लड़के लोग इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें जो है औरतों को ही दी हैं कि तुम ये कर सकती हो। ये बॉल। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। आज मस्ती तो की, सोचा था कि बाहर जाएंगे, अच्छा अच्छा कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। आज खाना तो खाया लेकिन थोड़ा दिल खुश नहीं हुआ बस। खैर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, उस चीज़ में भी शुक्र करना चाहिए हमेशा, है ना। तो चलिए जैसा भी रहा सब कुछ आप लोगों ने ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें, अल्लाह हाफिज़। अब चलिए हम सोते हैं, रात को 12:30 बज चुके हैं। फिर जो है हलवी, फिर जो है हमें सहेली के लिए भी उठना है। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।